और अब डाल दिए इसमें आलू भी। सही ना, मैं तो एक जाप मार रही ना तेज। गाइज वेलकम टू देसी रसोई ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो आज मम्मी बनाने वाली है छील के बैंगन, और काले वाले बैंगन ही बनाएंगे लेकिन उन्हें छील के। तो दिखाते हैं फिर आपको कन्नन का अलग, मैं लकड़ी ऐसी सिलगाती हूँ। गाइज मम्मी काट रही है अभी सब्जी, आलू काट रही है। देखो बिल्ली पीछे जा रही है चूल्हे के देखने क्या है। तो गाइस मम्मी बना रही है बैंगन छील के। बोलती है एक दिन ना लगाओ सता बाहर कोई। तो गाइस मम्मी बैंगन को काट रही है। अब काट रही हूँ मम्मी आलू। गाइस अभी मम्मी डाल रही तेल जब तक गर्म होएगा, और इधर आलू और बैंगन भी काट के रख लिए हैं। उन्हें चले जा, 5:30 बजे बजे हैं। तो गाइस मम्मी ने इधर मिर्च भी काट ली है, हल्दी, धनिया, पानी डाल, मिर्च, गरम मसाला और नमक। गाइस तेल भी गरम हो गया है, इसमें डाल दिया जीरा। अब इधर मम्मी ने मसाला का पेस्ट भी डाल दिया है। मम्मी ने डाल दिया हरी मिर्च, मसाला भी भुन चुका है अच्छे तरीके से, और अब डाल दिए बैंगन भी। तो मम्मी धो रही है अभी आलू, हम थोड़ी ना ला रहे, और अब डाल दिए इसमें आलू भी। सही ना, मैं तो ये कब जाप मार रही ना तेज। तो गाइस अभी मम्मी ने डाल दिया पानी इसमें। तो गाइस उधर सब्जी बन रही है, अभी मम्मी छानने लगी है आटा। जब तक आटा गून लेंगे सब्जी भी बन जाएगी, फिर बनानी है रोटी। तो गाइस मम्मी अभी आटा गूंद रही है, और भूरू खा रहा है रोटी। भूरू सब्जी चला दीजिए। तो गाइस सब्जी भी बस बनने वाली है, आलू होने वाले हैं इसमें, बैंगन तो हो चुके हैं। तो गाइस चूल्हे पे बहुत धुआं हो रखा है, और मैंने आटा भी गूंद लिया है, सब्जी भी बन गई है। अब मम्मी बनाने जा रही है रोटी, और उधर कोने में सो रहा है भूरू। तो गाइस देखो कितनी फूली फूली रोटी आ रही हैं। अब तो डेली चूल्हे पे ऐसी रोटी आती है फूली फूली, कितनी अच्छी लगती है। तो चूल्हे की रोटी ना खाने में बहुत टेस्टी होती है, घी लगा के खाओ बहुत मस्त लगती है। तो गाइस सारी रोटी ऐसी फूली फूली आ रही है, बहुत ही देखने में भी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल गोल गोल फूली फूली रोटी। तो गाइस देखो हमारी बेल ना कितनी आगे तक जा रही है अब, क्योंकि अब ये इधर ही आने लग गई है, और ये पूरा कितने अच्छे से खिल रही है, बहुत सुंदर लगती है देखने में भी।
तो गाइज ये रोटी नहीं फूली, ये रोटी पे चक गई।